सबले पहली रुक कर वो जांजगीर चांपा जिला के आप मतलब बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के पनगांव मां नाला मनहात बेरा दो युवक मन के बहे के सूचना सामने आए हैं, जिमले एक युवक ला ग्रामीण मन बचा ले हवाई जबकि दूसरा युवक नाला मां बह गए हैं। पुलिस ग्रामीण मन की मदद ले युवक के तलाश के बिना करते हुए गोताखोर के भी मदद ले जाते थे। तस्वीर तक आपने देखा तो की कौन तरह ले नाला उफान मां हवाई जिन तरह ले सलग अभी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में बारिश होवत है होकर बाद कई नाला और नदी उफान मां हवाई ऐसे में यही निवेदन तक करते कि ये बेरा नदी और नाला में नहाए बेरा आपन सतर्कता के साथ में उतरा काबर की पानी के बहाव बहुत तेज होते हैं। कुछ यही तरह की घटना जिन्हें तेन जांजगीर में हुए हवाए जी अपन गांव में नाला में नहात बेरा की घटना बताए जाते जब दो युवक पानी में उतरे रही है। हालांकि एक युवक ला ग्रामीण मन पूर्ण तरह ले बचा लेने फिर एक युवक के बहे के खबर सामने आते ये बेरा ग्रामीण मन के मदद के संग मां गोताखोर मन तक थोड़ी देर में पहुंचाई है और कोशिश करे जाते की युवक ला जल्द से जल्द ढूंढ ले जाए। तो जांजगीर चांपा जिला के पनगांव मां के ये घटना बताया जाते तस्वीर में आप मन वो नाला ला देखा था जहां दो युवक मन नहाए बार उतरे रही ने और बताया जाते कि जिन तरह ले पानी के बहाव बहुत तेज रही थे एक बाद दोनों युवक बह गए रही ने। हालांकि एक युवक ला कोनो तरह ले ग्रामीण मन देख लेने और बचा लेने लेकिन एक युवक नाला में बह गए है। अभी कोशिश करे जाते की जल्द जल्द ओला ढूंढे जा सके ओला रेस्क्यू करे जा सके एमा गोताखोर के मदद तक ले जाए। बताया जाते की कुछ देर में ही गोताखोर टीम वहां पहुंच जाए लेकिन जिन तरह ले पानी देखा था आपन कि कौन तरह ले तेज बहाव है नाला में पानी उफान में हवा है और नदी नाला के यही फिलहाल हालात है। ऐसे में नदी और नाला में नहाए के बेरा खास तौर पर सतर्कता बरते जाना चाहिए या फिर कोशिश करना चाहिए कि मॉनसून के बेरा कम से कम नदी और नाला में नहाए बर लोगन झन पहुंचे अगर जात भी हवाए तो ज्यादा गहराई में झन जाए। और ये बेरा का स्थिति है एक ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजकुमार साहू हमारे मन संग जुड़ते होकर मन ने जानकारी ले वो राजकुमार जिन तरह ये जानकारी सामने आए कि दो युवक मन बह गए रही ने एक तो बताया जा चुके हैं एक के रेस्क्यू अभियान के का स्थिति है ये बेरा देखा रचना अभी जांजगीर चांपा जिला में दो तीन दिन ले लगातार बारिश होत हवा जेकर बाद जिला के अधिकतर जो नाला है वह उफान में हवा। ये जो मामला हवा है हर पामगढ़ थाना क्षेत्र के पनगांव के है जहां दो युवक मन नहाए गए रिस हवा जेकर बाद उमा के जो युवक मन जब बहिश था उमा के एक युवक ला बचा लिए गई एमा उमेश यादव नाम के और एक हेमंत यादव नाम के जो युवक है वो हर नाला के तेज बहाव में बह गए हवा और लगभग 20 घंटा से ज्यादा के समय बीत गया हुआ है और एक बाद से गोताखोर की टीम बुलाई गई हवा और बाद में एसटीआरएफ की टीम भी मौका में पहुंचे हवा। फिलहाल युवक के कुछ पता नहीं चले हवा लगातार रेस्क्यू हर जारी हवा फिलहाल ग्रामीण मन की भी मदद लिए जाता हवा लेकिन जिस तरह से लगातार पानी गिरे के वजह से एमत जो नाला के जो पानी हो और कम नहीं हो है एक कारण से अभी तक के जो बह युवक है हेमंत यादव और अभी पता नहीं चले हवा। राजकुमार जैन तरह ले आप जानकारी देते हो कि गोताखोर की टीम अभी पहुंचे नहीं है काबर देरी हुए थे और कब तक पहुंच जाए जेकर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक घंटे फिर शुरू हुई। देखा रचना मैं आपको बताऊं कि गोताखोर की टीम मन तो पहुंच गए रही हवा एसडीआरएफ की टीम हर जब सूचना दिए गई तो बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंचे हवा लेकिन रात हो के वजह से जो रेस्क्यू होना चाहिए वो नहीं हुई हवा और बाद अब आज सुबह से ही लगातार फिर प्रयास किए जाता हवा की जो आसपास के क्षेत्र है गाँव के जो पनगांव के जो आगे के गाँव हवा वहाँ भी मुनादी कराए गए हवा कोटवार के माध्यम से पुलिस के माध्यम से ग्रामीण मन के माध्यम से भी पता लगाए की कोशिश किया जाता हवा की युवक हर क्या अभी कहाँ है या क्या स्थिति है एमा लगातार खोजबीन जारी हवा काबर की जो परिजन है ओमन के भी रो रो के बुरा हाल हवा लेकिन जिस तरह से जो हालात हवा रचना की अभी लगातार जो नाला मन में बाढ़ हवा हमन की भी अपील हवा कि जे नाला मन में बाढ़ है या नदी मन में बाढ़ है ओला जो ग्रामीण है जो लोगन है ओमन ओला पार मत करे और अपन धीरज के परिचय दे काबर की ये जो लापरवाही की वजह से हमारे घटना होते हैं और हर साल ये तस्वीर ला देखे पर मिलते है काबर की हर साल बाढ़ आते और हर साल आदमी मन नाला में नदी में बह जाते हैं और इस तरह की घटना होते हैं और दुखद भी घटना होते हैं तो कहीं ना कहीं आईबीसी 24 की अपील है कि जब भी बाढ़ आते जब भी पुल पुलिया में पानी ऊपर आ जाते तो ओला पार मत करे और अपन अपन आप बचा के प्रयास करे लोगन मन जी रहे। यही अपील हम मन कर रहे जम्मू दर्शक मन ले आप मन की जम्मू जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। बढ़ो आगे अब बात कर वो अंबिकापुर के जी हाँ दो